स्पेशल एजेंट साइबर डक में हेल्थ पॉइंट कहां मिलेंगे भाई यहां मिलेंगे मैं बता रहा हूं तुमको तो काफी लोगों ने कमेंट करके पूछा भाई कहां है हेल्थ पॉइंट किधर से मिल रहे हैं तुमको कौन से लेवल पे हैं भाई हमें भी बताओ कैसे मिलेंगे तो मैं बताता हूं आपको आपको आना है लेवल थर्टीन पे डाउनटाउन के लेवल थर्टीन पे यही वो लेवल है जहां आप लोगों को पता लगता है मतलब हमें पता लगता है कि लाइफ पॉइंट खरीदे नहीं जा सकते उन्हें गेम में ही ढूंढना पड़ेगा कहीं ना कहीं और बता रहा हूँ मैं बहुत ही मुश्किल था जब मैं फ़र्स्ट टाइम खेल रहा था बहुत ही मुश्किल से मिला था और ये ये रोबोट ही है वो कारण जिसकी वजह से मुझे ये गेम दोबारा खेलनी पड़ी इसी ने बताया कि लाइफ पॉइंट आपको खरीदने खरीदने को नहीं मिलेंगे आपको ढूंढने पड़ेंगे तो कोई बात नहीं ढूंढ लेते हैं अब मेरे को गेम प्ले तो बनाना ही था क्योंकि कमेंट आया था भाई मैं वैसे भी कहता हूँ अगर आपको कोई गेम प्ले चाहिए तो कमेंट में बता दो मैं गेम प्ले बना दूंगा उस पर मेरे को भी मज़ा आएगा अलग अलग टाइप की गेम खेलने को मिलेगी आपको भी आपके सोल्यूशन मिल जाएंगे अगर चाहिए हो कुछ तो तो यहाँ पर आएँगे हम नीचे की तरफ आएँगे और इस बंदे को फोड़ देंगे एक सेकेंड हाँ तो इसको निपटाने के बाद यहाँ पे लानत सी होती है कई बार मैं पूरी गेम कंप्लीट करके बैठा हूँ उसके बाद भी ऐसे गलतियाँ कर रहा हूँ मैं कोई बात नहीं तो यहाँ पे आएंगे हम ये कोने में जो भी टैंक्स थे वो फोड़ेंगे और नीचे की तरफ स्वाइप करेंगे और हमको यहाँ पे मिल जाएगा हमारा पहला एच अब इसको लेने के बाद आप देख सकते हो यहाँ कोने में चार हो गए हैं एच हेल्थ पॉइंट हमारे चार हो गए हैं सॉरी लाइफ पॉइंट है ये हेल्थ पॉइंट नहीं है यार गलत कमेंट करते हो तुम लोग तो अब हमारे पास चार लाइफ पॉइंट्स हैं मतलब एक लेवल में हम तीन बार गलती करके बच सकते हैं चौथी बारी में हम आउट हो जाएंगे आगे बढ़ते हैं हम आगे जाएंगे हाइव स्लम्स में लेवल ट्वेंटी एट पर लेवल ट्वेंटी एट आपको मिलेगा आपका सेकंड हेल्थ पॉइंट सॉरी लाइफ पॉइंट मैं वैसे तो इसका गेम प्ले छोटा रखने वाला था कि दिखाने वाला था कहाँ कहाँ पे है बट फिर मैंने सोचा अगर थोड़ा गेम प्ले दिखा दूंगा आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता लग जाएगी उस जगह पर जाना कैसे है और कुछ टिप्स भी दे दूंगा मैं जैसे कि स्पाइडर्स निकले हुए हैं अपने नेस्ट से तो इनके नेस्ट को फोड़ना मतलब जो भी है ये दुकान सा इसको फोड़ना बड़ा आसान हो जाता है जब तक इन स्पाइडर का एक सेट बाहर घूम रहा है तब तक ये दूसरा सेट नहीं छोड़ता तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ एक स्पाइडर छोड़ देता हूँ पूरे सेट में से और फिर उसके नेस्ट पर अटैक करता हूँ ये रहा आपका दूसरा हेल्थ पॉइंट अब इधर जाना कैसे है वो हम देख लेते हैं वैसे ये वाला हेल्थ पॉइंट तो बहुत सारे लोगों को मिल ही गया होगा क्योंकि ये बाहर ही बाहर दिख जाता है रास्ते में ही आता है ये तो बहुत सारे लोगों ने देख लिया होगा बड़े आराम से ही पर कोई बात नहीं ये दिखाना ज़रूरी था क्योंकि मेरे को टोटल छः हेल्थ पॉइंट बनाने थे यहाँ पे अभी तक चार हुए हैं और यहाँ पे हम जाएंगे लिफ्ट में लिफ्ट के कंट्रोल के लिए हमें आगे जाना पड़ेगा और लेवल आधे से ज़्यादा क्लियर करना ही पड़ेगा और ये इसको देखो ये चाकू ले पीछे पड़ जाता है इसको बड़ी जल्दी रहती है हर चीज़ की खैर ये इनको फटाफट से निपटा देता हूँ और आगे चलता हूँ और यहाँ पे 4x की स्पीड के साथ ये लेवल क्लियर करने की कोशिश फटाफट से कंप्यूटर का स्विच ऑन करा और इस बंदे को टपकाया यहाँ पे ये हिडन डोर होने की वजह से शायद से लोगों को नहीं मिला होगा ये वाला हेल्थ पॉइंट बट कोई बात नहीं अब गेम प्ले में कवर हो गया तो आपको मिल जाएगा अब तो और यहाँ पर यह हॉस्टेल हॉस्टेज तो जाए तेल लेने मेरे को क्या यहाँ पर आप देख सकते हो पाँच हेल्थ लाइफ पॉइंट हो गए हैं और आगे बढ़ते हैं हम इंडस्ट्रियल एरिया में इंडस्ट्रियल एरिया में आपको मिलेगा लेवल फोर्टी पे ये वाला थर्ड हेल्थ पॉइंट यानी आपका छठा हेल्थ पॉइंट और ये हेल्थ पॉइंट तो सही में काफ़ी मुश्किल जगह पे है क्योंकि उस टाइम पे सिचुएशन ही कुछ ऐसी होती है हफड़ा तफड़ी वाली क्योंकि वहाँ पे ढेर सारे दुश्मन हैं तो आप जान बचाओगे या हेल्थ पॉइंट ढूंढते फिरोगे तो इस वजह से इस लेवल पे भी नहीं मिला होगा ऑब्वियसली मैंने भी वही फ़ेस किया होगा जो आपने फेस किया होगा कोई बात नहीं अब यहाँ पर क्लियर कर देते हैं इसको अभी ये मरता नहीं है यार मेरे सारे बम बर्बाद करा दिए इनने कोई बात नहीं यहाँ पे देखते हैं इस पर असर हुआ कुछ अब ये मकड़िया भी काफी खतरनाक है फोर एक्स की स्पीड कर दी है मैंने तो थोड़ा मुश्किल हो रहा देखना और ये रोबोट जब आता है भाई ये गेम बदल लेता है बिल्कुल ही सीरियसली बैंड बजा देता है इसकी सारी गोलियां इतनी फास्ट आती हैं क्या बताऊँ हाँ ये जो बड़ी वाली मकड़ियां हैं ना इनको बीट करने का बढ़िया तरीका बताता हूँ आप इनको गोली मार मार के पहले एक साथ कर दो फिर जैसे ही आपके पास आ जाए ये ऊपर से टाप के आप आगे आ जाओ और इनका नेस्ट फोड़ दो फिर धीरे धीरे गोली मार के या फिर जो भी मिसाइल होगी आपके पास या जो भी बॉम्ब होगा उससे इनको फोड़ दो और बड़े आराम से आप इनको बीट कर दोगे कई बार ये ऐसा होता है कि आपको जगह ही नहीं मिलती इनको बीट करने की वहाँ पे आपके भागने के और छुपने के लिए जगह ही नहीं होती और ये ढेर सारी हो जाती हैं तीन चार तीन मकड़ियाँ आ जाती हैं मैक्सिमम तीन देखी है मैंने तीन या चार तो वो आ जाती हैं यहाँ पर मेरे से गलती हो गई थी जंपिंग में तो कोई बात नहीं पर अब पाँच लाइफ पॉइंट्स हैं और इसके बाद मेरा छठा लाइफ पॉइंट भी आ जाएगा और गेम मैं ख़त्म कर दूंगा बढ़िया सी तो ये देखा ये मक ये इसकी गोलियाँ भाई अलग ही लेवल पे आ रही हैं सबसे तेज़ यही है तो अगर आपके पास बॉम्ब होना तो बॉम्ब से इसको पोड़ दो या फिर दूसरी गोलियाँ मेरे पास छह ही गोलियाँ पड़ी हैं मैं पता नहीं यूज़ ही नहीं कर रहा था गेम प्ले बनाते वक्त कोई बात नहीं तो यहाँ पर आए और यहाँ पे सामने की तरफ आना आपको यहाँ पे आपका छठा हेल्थ पॉइंट मिल जाएगा अरे हेल्थ पॉइंट लेने के बाद ये लाइफ पॉइंट बन गया एक ही बात है यार मैं अगली गेम की तैयारी करता हूँ आप इस वीडियो को लाइक कर देना और कॉमेंट में कोई अच्छी सी गेम का सजेशन बता देना